दोस्तों, हम लोगों ने अपने चैनल की शुरुआत से लेकर आज तक सालों से चली आ रही इस यात्रा में आपको ह्यूमन एवोल्यूशन यानी मानव विकास के बारे में बहुत कुछ बताया है। इंसान शाकाहारी कैसे बने, इंसानों का जन्म कैसे हुआ, आखिर कैसे वो एक छोटे से सेल से डिवाइड होकर इतने बड़े जीव के रूप में उभर कर आए, और इतने सालों में किस प्रकार से हम लोगों ने एक एक आदत का निर्माण किया, इन सब के बारे में हम लोगों ने बड़ी ही बारीकी से आज तक अपने कई वीडियोस में जाना। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि अगर हम एक इंसान और एक जानवर के बच्चे को एक साथ पालें तो क्या कम बौद्धिक विकास वाला जानवर हम इंसानों के बराबर आ पाएगा? आज इंसान इंसान और जानवर जानवर इसलिए है क्योंकि इंसान हमेशा सभी इलाकों में रहते हैं। उनके रहने खाने का ढंग अलग होता है, उनकी बस्ती अलग होती है, और इसी वजह से वह उस माहौल में ढल जाते हैं। वहीं अगर हम लोग जानवरों की बात करें तो जानवरों को लेकर भी यही संभावना जताई जाती है कि जानवरों का बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास इसलिए सीमित रहता है क्योंकि जानवरों की बस्ती और उनका रहन सहन ही अलग होता है। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों ही जीवों को पैदा होने के बाद से ही सामान्य परिस्थितियों में रख दिया जाए, तो क्या ऐसा करने पर जानवर भी इंसानों की तरह ही सभ्य हो पाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी कल्पना के पीछे की सच्चाई जानने वाले हैं। ये कहानी है विंथ्रोप नाइल्स केलॉग की, जिनकी एक कल्पना ने मानव इतिहास के सबसे फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया। जब मिस्टर केलॉग अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो वो हमेशा जंगल बुक और ऐसी कई वारदातों को सुना करते थे जिसमें किसी बच्चे को जंगल में बिना किसी इंसान के छोड़ दिया गया हो, और कुछ साल बाद जब उस बच्चे ने एक एडल्ट का रूप लिया और दुनिया में आया तो देखा गया कि उस बच्चे को इंसानों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और उसका रहन सहन, चाल ढाल, यहाँ तक कि इसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी जानवरों वाली ही हो गई थी। और इन्हीं वारदातों ने एक जिज्ञासु स्टूडेंट के अंदर ये ख्याल डाला कि क्या होगा अगर हम लोग किसी जानवर के बच्चे को इंसान की तरह ही पालेंगे। मिस्टर केलॉग लगातार पढ़ते गए और सालों तक पढ़ने के बाद अंत में जाकर उन्होंने साइकोलॉजी में अपनी डिग्री हासिल की और एक जाने माने प्रोफेसर बन गए। समय बीतता गया और उनकी शादी भी हो गई, लेकिन उनके दिमाग में सालों पुराना वो सवाल नहीं गया जिसका जवाब वो आज भी तलाशना चाहते थे। जब उन्हें सन 1930 में ये पता चला कि वो बाप बनने वाले हैं, तब कुछ दिनों बाद उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी अपने सालों पुराने सवाल के जवाब को ढूंढने की, और अपनी वाइफ से लंबी चर्चा और कई दिनों के कंसल्ट करने के बाद फाइनली वो दोनों इस बात पर एग्री हुए कि एक सर्टेन एज के बाद वो किसी जानवर के नवजात शिशु को अपने बच्चे के साथ सेम ट्रीटमेंट में पालेंगे, ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि क्या इंसानों की तरह जानवरों के केस में भी ये संभावना देखी जा सकती है। अप्रैल 1930 के महीने में प्रोफेसर केलॉग और उनकी बेबी ने अपने बच्चे का इस दुनिया में स्वागत किया, और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने एक ऐसे चिंपैंजी की तलाश करना शुरू कर दी जिसका जन्म भी हाल फिलहाल में हुआ हो। अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने चिंपैंजी को इसलिए चुना क्योंकि चिंपैंजीज इंसानों की क्लोजेस्ट रिलेटिव स्पीशीज होती हैं, और अगर कोई इंसानों की बुद्धिमत्ता और इंसानों के व्यवहार के साथ सबसे तेज रिएक्ट कर सकता है तो वो है चिंपैंजी। लगभग 2 महीने तक किसी ऐसे नवजात चिंपैंजी की तलाश चलती रही, और इसी बीच प्रोफेसर और उनकी बीवी ने अपने बेटे का नाम डोनाल्ड रख दिया। 2 महीने बाद खबर आई कि उन्हें एक ऐसा चिंपैंजी मिल गया है जो तकरीबन 7 महीने पहले जन्मा था, और उसे लाते लाते आधा महीना और हो गया, और फिर अंततः 26 जून 1931 के दिन वो नवजात चिंपैंजी केलॉग फैमिली के घर आ गया, और उस दिन तब से उनका एक्सपेरिमेंट ऑफिशियली शुरू हुआ जिसमें वो लोग एक 2.5 महीने के बच्चे को एक 7.5 महीने के चिंपैंजी के साथ पालने वाले थे। अब जाहिर सी बात है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें चिंपैंजी को एक इंसानों वाला नाम भी देना जरूरी था, और इसीलिए उन्होंने अपने घर में आए इस नए सदस्य का नाम गुआ रखा। अगले 9 महीनों तक उन्होंने अपने बेटे डोनाल्ड और छोटे चिंपैंजी गुआ को एक साथ 12 घंटे हफ्ते में 7 दिनों तक रखा, जिसके बीच उन 9 महीनों में
एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उनका बेटा घर में होता था तो वो उन्हें एक ऐसी जगह पर रख देते थे जहां वो और बीबी चिंपैंजी साथ में खेला करते थे, जिससे उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर अपनी ग्रोइंग स्टेज में मौजूद दो अलग अलग स्पीशीज के बच्चे जब एक साथ ऐसे खेलेंगे तो दोनों का क्या रिएक्शन होगा या क्या चिंपैंजी के बिहेवियर में कोई बदलाव आएगा। उन दोनों के बीच में इंसानों वाले ही हरकतें हों इसके लिए दोनों मियां बीवी ने हर वक्त इन दोनों पर नजर रखी और उनके इंटरेक्शन में बीच बीच में इंटरफेयर भी करते रहे जब जब उनको इस चीज की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने दोनों बच्चों को एग्जैक्ट सेम परिवेश दिया और दोनों के खान पान से लेकर दोनों के पालने में कोई भी अंतर नहीं रखा और कोई भी का मतलब कोई भी नहीं, फिर चाहे वो कितनी छोटी डिटेल क्यों ना हो। जितना खाना डोनाल्ड खा रहा था उसी के समानांतर चिंपैंजी को भी दिया गया। जितना खेलने का समय डोनाल्ड को दिया जा रहा था एग्जैक्ट उतना ही समय बिना एक दो मिनट के अंतर के चिंपैंजी को भी दिया गया और दोनों को जैसे एक तरह के बंधन में जबरन बांधने की कोशिश की जा रही थी ताकि दोनों के व्यवहार में कोई अंतर ना देखने को मिले। साइकोलॉजिकल रिकॉर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार उन 9 महीनों में जो जो हुआ उनको लेकर आप यकीन नहीं मानोगे। उन दोनों पर साइकोलॉजिकली और एक्सटर्नली ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे उन दोनों का ब्लड प्रेशर, बॉडी साइज और लोकोमोशन भी एग्जैक्ट रहे। इस टेस्ट में और भी काफी छोटी से छोटी डिटेल्स को गौर किया गया, जैसे दोनों की मेमोरी में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर दोनों लोगों को गुदगुदी करो तो कौन कितनी देर में कैसा रिएक्ट कर रहा है ये तक उसकी रिपोर्ट में नोट किया गया था, जिससे आप जान सकते हैं कि इस टेस्ट को कितनी गंभीरता से लिया गया था। इसके अलावा उन दोनों पर और भी काफी सारे टेस्ट किए गए और कई पैरामीटर्स को एग्जैक्ट इक्विवेलेंट लाने की कोशिश की गई, जैसे स्क्रिबलिंग, रिफ्लेक्सेस, डेप्थ परसेप्शन, वोकलाइजेशन, स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फियर्स इक्विलिब्रियम, प्ले बिहेवियर, क्लाइंबिंग, ओबीडियंस, ग्रास्पिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, अटेंशन स्पैन। और अभी ये सूची यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि जब्त किए गए नोट्स में और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में अगर हम लोग एक्सप्लेन करने चलें तो अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। इन दोनों पर एक ही समान ध्यान रखा गया और दोनों के ही मामले में ज्यादातर ये देखा गया कि पहले 5 महीनों में गुआ, जो कि एक चिंपैंजी थी, वो डोनाल्ड से लगभग हर एक चीज में बढ़िया कर रही थी, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें ये यकीन होने लगा कि शायद अगर जानवरों को इंसानों की बस्तियों में शुरुआत से ही रखा जाए तो जानवर इंसानों से भी कई गुना समझदार निकल सकते हैं। चिंपैंजी को लेकर अच्छी खासी बातें और प्रोग्रेस चल ही रही थी कि तभी 6 महीने में वो पल आया जब उस चिंपैंजी की कॉग्निटिव वॉल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और उस दीवार की वजह से सारा खेल खराब हो गया। आप लोगों में से कई लोगों ने ये टर्म पहली बार सुना होगा, तो चलिए इसको थोड़ा एलिब्रेट करते हैं। ये कॉग्निटिव वॉल साइकोलॉजी के टर्म में एक ऐसी सीमा होती है जिसे किसी भी स्पीशीज की बुद्धिमत्ता का पीक पॉइंट माना जाता है, और वैसे तो इसकी कोई मेजरमेंट वैल्यू नहीं होती, लेकिन इस पॉइंट के बाद कोई भी स्पीशीज उससे ज्यादा बुद्धिमानी नहीं अर्जित कर पाती। उस चिंपैंजी पर चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करी गई हो, पर अंत में इस चीज को कोई नकार नहीं सकता कि आखिरकार वो थी तो एक चिंपैंजी ही, जिस वजह से उसके सीखने की क्षमता और बुद्धिमत्ता भी सीमित थी। और जब एडॉप्ट करने की अपनी उस क्षमता के सबसे चरम भाग को चिंपैंजी ने टच कर लिया तो उसके बाद से उसकी कैपेबिलिटीज कम होने लगी और डोनर धीरे धीरे आगे निकलने लगा। जब यह रिपोर्ट सामने आई थी तो इसे इतिहास के ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में से एक कहा गया था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की मदद से ना सिर्फ ये पता लगाया गया कि जानवरों की हर चीज को एडॉप्ट करने की एक सीमित क्षमता होती है और वो हम इंसानों की तरह इतनी तीव्रता से नहीं रिएक्ट कर सकते या हमारी तरह नहीं बन सकते, बल्कि इससे उनकी लिमिटेशंस के अलावा इंसानों और जानवरों के बीच के रिलेशन को भी काफी डीपली एनालाइज किया जा सका। सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक 9 महीने बाद 28 मार्च 1932 के दिन बिना किसी वजह के रहस्य समय ढंग से उन दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया और जिस चिंपैंजी को वो लोग 9 महीने तक पाल रहे थे उसे ऑरेंज पार्क प्राइमेट कॉलोनी में वापस भेज दिया। जो एक्सपेरिमेंट इतना सफल हो रहा था और उन्हें जिस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिल रहे थे उनको उन्होंने अचानक से यूं रहस्यमय ढंग से किस लिए बंद कर दिया इसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया और ना ही कहीं इस बात का कहीं कोई जिक्र किया गया, जिससे उनके मरने के बाद तक भी लोग इस सोच में पड़ गए कि आखिर इतने सफल एक्सपेरिमेंट को बंद आखिर क्यों किया गया। साइकोलॉजिस्ट ने आगे जाकर जब इसकी वजह पता लगाने की कोशिश की तो उन्होंने 3 हाइपोथेसिस निकाली।
पहली ये कि समय के साथ साथ चिंपेंजी बड़ा होने लगा था और इसलिए उसकी ताकत के चलते उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। दूसरी ये कि मिस्टर और मिसिस कैलोग को ये डर था कि कहीं वो बड़ा और शक्तिशाली चिंपेंजी उनके बेटे को नुकसान न पहुंचाने लगे। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय लगती है और जिसे सुनने के बाद लोग हैरत में आ गए थे, वो ये कि शायद कॉग्निटिव वॉल को टच करने के बाद चिंपेंजी ने तो इंसानों की चीज़ों को सीखना बंद कर दिया था, लेकिन क्योंकि उनका बेटा डोनाल्ड अपनी ग्रोइंग स्टेज में था इसलिए वो चिंपेंजी की तरह बर्ताव करने लगा था, जिस वजह से वो दोनों डर गए थे और इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट को बंद करके अपने बेटे की सही सलामती के लिए गुआ को वापस भेज दिया था। हालांकि आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सी वजह उस एक्सपेरिमेंट के अंत का कारण बनी होगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।